नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजकरण महतो। यतिखेर हामी महतरीको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सिद्धपुर भन्ने गाउँमा आएका छौँ। चिन्ता, चासो र गुनासो सहितको हरेक आवाज जनताको अदालतमा लिएर हामी आइरहेका छौँ। आज यस्तै आवाजहरू लिएर हामी तपाईँहरूको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी त्यस्ता मान्छेको बारेमा पर्दाफाश गर्न, भण्डाफोर गर्न गइरहेका छौँ कि झट्ट हेर्दाखेरि समाजसेवी देखिन्छन्। गाउँमा सबैले मालिक भएर सम्बोधन गर्छन्, तर उनको काम र उनको करतुत हेर्दाखेरि जतिसुकै कारवाही गरे पनि कमै हुन्छन्। हो, कागज बनाएर अरूलाई ठग्ने अर्थात् गरिबको जीवन लुट्ने त्यस्ता लुटेराको बारेमा आज हामी पर्दाफाश गर्न आएका छौँ। को हुन् ती लुटेरा जो 1 लाख रुपियाँ दिएर 18 लाखसम्मको कागज गराउँछन्, मान्छेको खेत लिएर ऋण दिन्छन्, तर त्यो ऋण लिएपछि खेत फर्काउँदैनन्। हो, आज हामी यस्तै मिटर ब्याजीको पर्दाफाश गर्न आएका छौँ महतरीको भङ्गा स्थित यो शिवपुर गाउँमा, जसले भङ्गा गाउँका कयौँ गरिबलाई उठी बास लगाइदिएको छ। अहिले दिनका दिन अदालतमा धाउँदा धाउँदा गरिब मान्छेलाई उनले हैरान बनाएका छन्। हो, त्यस्ता मान्छे हुन् यसै ठाउँका 38 वर्षीय अनिरुद्र शाह, जसले यो गाउँलाई नै तहस नहस मात्रै बनाएको छैन कि धुरु धुरु रुवाइदिएका छन् यहाँहरूको गरिबलाई। सयौँ मान्छेलाई उनले 20 वर्षदेखि लुट्दै आएका छन्। एक पटक पैसा दिन्छन्, अर्को पटक पैसा दिन्छन्, तर गराएको कागज च्यात्दैनन्, पास गराएको जमिन फिर्ता गर्दैनन्। ऋण लिँदा जुन गरिबहरूले जग्गा पास गरिदिन्छन् समस्या पर्दाखेरि, तर ऋण चुक्दा गर्दा त्यो जग्गा आफ्नो नाउँबाट फिर्ता गर्दैनन्, कागज च्यात्दैनन्, र उनले रबाब देखाउँछन्। प्रहरी प्रशासन टुरु टुरु हेरेर बस्छन्, किन कारवाही गर्दैन त? हो, आज हामी यिनै विषयमा कुरा गर्न आएका छौँ महतरीको भङ्गामा। महतरीको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 सिद्धपुरकी सञ्जीला देवी मण्डलका श्रीमान जयनाथ मण्डलले गएको साउन महिनामा अनिरुद्र शाहसँग 50,000 रुपियाँ लिनुभयो। उहाँको ज्वाइँलाई विदेश पठाउने उहाँलाई चटारो थियो। उहाँले त्यो 50,000 रुपियाँ लिँदाखेरि 4 महिनापछि पैसा फिर्काउन जाँदाखेरि 70,000 रुपियाँ लिएर जानुभयो, तर उहाँले 9,90,000 रुपियाँ बराबरको ऋण लियो भनेर उहाँसँग कागज गराएको अदालतमा मुद्दा दियो। त्यसपछि अहिले सञ्जीला देवी महतरी जिल्ला अदालतमा अहिले तारिक धाइराख्नु भएको छ, र उहाँसँग अहिले 9,90,000 रुपियाँ साउ र त्यसको ब्याजको चाहिँ 2,28,250 रुपियाँ गरेर जम्मा 12,18,250 रुपियाँ दाबी गर्दै अहिले महतरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएका छन् ती अनिरुद्र शाहले उहाँ विरुद्ध। 9,90,000 रुपियाँ अनिरुद्ध शाहसँग कहिया लेली आ कहिया उ देलकै से तऽ प्रमाणित होइ पड़लै। ओकठौआ हम नहि दीती सर तब कोनो बात छलै, लेकिन ओकठौआ हमर बेटी जमाइ दऽ रहल है आ तब उ लऽ नहि रहल आ एते एते कांड कऽ के आ ढौआ गेली दिय तऽ हमरा कहे मार बुङारि पला जो जले सर कैले जले सर जले कहे अनिरुद्ध शाह कहलकै बोलो मुदा छी ठोक देने अदालत में अदालत ने अदालत जो ढोवा लक अदालत बुझा ग तो हमने देखने छी नि सुनने छी हमर श्रीमान ये हेबे नहीं कर चल गए कता है श्रीमान मद्रास से सर कहिया मुदा देल एक गते दु गते काती के मुदा देल के दु गते अघन के मुदा आइल हे सर हां सब के अथी करे लागे हमरा धाक धमकी देखबे हे घर आइब के 2 दिन मांगे अले ढौआ हमरा ढौआ दू कहि क आके ब्याज के डर न हबे ढौआ 17,000 रुपया हम कहल हम ढौआ छोड़े नहीं छी तम कत से दू आके एक हाथे ढौआ दू एक हाथे कागज ले कागज हमरा दे न तब न हम देब आके ढौआ तो इहे साउंड में ले लिए नहीं
इहे सामने लेली त 9,90,000 रुपया केना भाव ले दोगर सर हमर श्रीमानन पर गवार है हां नै पढ़ल है नै लिखल है नै जानल के अब उ ल लेल के कागज बनाब केना के अंडूसा कागज बने के सता अंडूसा नै जानते कते लेली आंसर हो उठवा हमरा हाथ में पड़ल है 50,000 रुपया 50,000 रुपया लेने छे 50,000 लेने छे आगे श्रीमान कहला कते लेने छे कहला 50,000 सर जखन उठवा लेल के तखन त हमहु गेल छी हां हमर श्रीमान से कागज बनबेल की सर हां हमरा से सही करबेल की कल के पति लेल के त पत्नी नै रहती त ढवा नै देबे पत्नियो ओइ नै होइ परले तो सर हमहु छी सही कर देने ओइमे ओइ कागज पर सुने लकि नै कागज पर को सर नै सुनेल के बनै नै है किशोरिया सा के बेटा की समस्या भ रहल है अखन ई लक अखन त दिया हमने किन सकली जमीन त बेटा बेटी किनल के दियाद के बेटा सब किनल के अब सब दियाद के जथा जमीन सर रोका क देने है त दियाद से हमरा मारते कि नै मारते त मार पीट के चलते अबे नुकाइल रह छी सर की करू जी वो आय कधा कदम की देखबी मारे पिटिया रात क दिन क के अनुसार कदी कहय अबे बोल लाढवा हां लाज ना हो विचार ना हो लाढवा दवा लाढवा नहीं देबे तो मार देबो काट देबो ई करबो वो करबो बार रंग के बात कहय हमरा हां त हम की कह जाए हम तो दियास सब लड़ रहती तो बचत क रात बिरा दियास के फोन करी छी रात बिरा के जति वो को जान के डर है ने घर वाला घर में होबे ने बेटा होबे ने असगर छी तीन गो चाहे पांच गो छह गो लड़का होबे बच्चा के खियाओ के हम ओकरा ओते ढोवा दी ओकरा हम ले नहीं छी ओते ढोवा सर तुम कत से देबी तते तते वो हमरा गाड़ी पर ही बात कहे जी दोसर तेसर से बात सुनबो दोसर तेसर वो टोला के मोगी सवाल के कहे कदी कहे दी ढोवा ओके ढोवा दी कागज आइन दे ई करे वो करे हम कल ढोवा आइन दे ना हमर दियास के जमीन फुकवा कर देना फुकवा नहीं करिए जमीन यार से मारी गार मार गारी पर तो हमरा निमन लागत लोग कथी कहते अपना चलते हुए बेटी चलते हुए बुरा दिल हम दे सके दियाद क्यों ना है कि ना तो दियाद के बेटा सके दियाद के बेटा से पेट कुनी आने विदेश में वो सब बड़ कठिन सकी ने सर हम के ना कहो कर संपत्ति हम लो लेवे कतेक जगह सब रोका दे रोका कर सर 11 कठा जिप्सी अथी के है आ 5 कट्ठा मीना है जेठ दी आदमी सब ही सर माझिल है जेठ है एगो के 5 कट्ठा एगो के 11 कट्ठा हाँ अब वो अभी अदालत में जाए छी कि नहीं तो जाए छी सर मुद्दा हाँ। दे नहीं तो लड़े तो जाए पड़ते हाँ असगर जाए छी कोनो को मार काट दे के ना करत नहीं करत कोई हमरा जरे हो जाए ना है जानी जात वाला बात हमें भुतला जाए छी सर कहियो देखने सुनने नहीं केना करत नहीं करत कोनो ठिकाने नहीं क्या बेर चल गेले सर 3 बेर चल गेले सर 3 बेर चल गेले 3 बेर अतने दिन आ फेन 29 गते के देले आ जे दिन जाय छी त लेकिन ढवा ले हब कत हम सब जानबे नहीं कर छी ऑफिस में के ढवा ले वकील साहब कथि के ढवा ले अब कथि के ले हम सब पढ़ल लिखल छी सर से जाने कत ढवा ले तो सही एक सही ना कोले तारीख के अभी आई कारण सा घर परिवार में कितना दिन बीत रहा है आज अभी बर तकलीफ हो बस किन तकलीफ है खाए लागी ना हो बस सर खाए के अवस्था ना हो बस 4-8-9 दिन से बीमारी के दे हो बर दवाई ओते क ले ली 20-25,000 के दवाई क ले ली ठीक नहीं हो रहल हो गया दोनों सांझी रोटी खाई छी अखुनता कथी समस्या है समस्या कथी वो खर्चा पानी के दिक्कत हवे सर श्रीमान खुंता गेबे काल गढ़वा नहीं पठे लग ये ते कांड कह दिल कह के टेंशन न दिन रात के नहीं नींद हो दिन के नहीं नींद हो कहूँ जाए तो निमन नहीं लगे सर सब कथ से बीमार छी भगल सर हम कहाँ जाओ की कर जकरो ले जाए सो 2 गो रुपया नहीं दिए अखन तक केनो गाय भी आयल हवे सर तो दूध बेची छी तो गुजर करी छी अचम्मको घटना छ साउनमा उहाँले अर्थात सञ्जीलाले 50,000 रुपैयाँ ऋण लिनुभयो तर उहाँसँग 2075 साल जेठ 25 गते ऋण लिएको कागज गराइयो अर्थात 2 वर्ष अगाडिकै 1.5 वर्ष अगाडिकै कागज गराइयो त्यो कागज आफैमा गैर कानुनी हो 1.5 वर्ष अगाडि पैसा ऋण लियो भनेर कसरी कागज गराइयो
50,000 रुपया लिए को ऋण को ठाउँमा 990,000 कसरी लेखियो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आज उहाँ अहिले धुरु धुरु रोइराख्नु भएको छ। सञ्जीला देवीको कथा व्यथा सुनिसकेपछि हामी सञ्जीलालाई लिएर उहाँको आफन्त मीना देवी कहाँ पुग्यौँ। मीना देवीले पनि हाम्रो दिदीले ऋण लिँदाखेरि हामी सबैलाई अहिले त्यो ऋणले समस्या भएको बताउनु भयो। कर्जा लिन गएका गरिबहरूलाई उनले कंगाल बनाइदिएका छन्। कति गरिबको त यहाँ जिन्दगीको खुसी नै लुटिएको छ। फाल्गुनको होली सकिसकेपछि मधेसमा चलरे पन्जाब जोरे पन्जाब एउटा उक्ति सुन्न पाइन्छ। त्यो भनेको होली सकिसकेपछि कमाइ गर्नका लागि गरिब परिवारका युवाहरू नजिकै भारत स्थित पन्जाब जान्छन्। किन जान्छन् भने गरिबीसँग लड्नको लागि पैसा कमाउन जान्छन्। तर त्यो पैसा कमाउनलाई जानका लागि यहाँका गरिबहरूसँग एक पैसा पनि गोजीमा हुँदैन। त्यो पैसा कमाउन जानका लागि पनि नजिकैको साउसँग ऋण लिन्छन् र उनीहरू कमाउनको लागि पन्जाब हानिन्छन्। हो, त्यसैलाई भनिन्छ जोरे पन्जाब चलरे पन्जाब। यो गरिब गाउँमा सुनिने एउटा चर्चित वाक्य हो। यो हो यही वाक्य सँगसँगै अनिरुद्र शाहले एउटा परिवारको खुसी लुट्यो। 21,000 रुपियाँ दिएर 6,00,000 रुपियाँ तिर्न लगायो। त्यस्ता पीडित हुनुहुन्छ एकजना गोजी सदा मुसहर। मुसहर भनेको तराई मधेसको सबैभन्दा गरिब जाति। बस्न खानको लागि धौधौ पर्छ। त्यस्ता जातलाई त्यस्ता गरिबलाई पनि अनुरुद्रले छोडेनन्। हो उनी गोजी सदा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हिजो आज तपाईँको दैनिकी कसरी चल्यो? आइकाल्हि किन चलिरहे दिन सक्छ? मेरो कमाइ चाहिँ खटाइसी अब यसो कतिको हो हरासँग त पैसा कौडी है नै हो। त्यो जे रहि कमाइ धमेन से सब त लगल कि उहे उहे कमाइ खटाइ करै छी खाइ छी। कि है समस्या? केना केना के ऋण लेली ओकरा से? कहिया ऋण समस्या रहली यह है खालंग रहली पुपु गए तब कहाँ जाओ? उ पैसा वाला है तब ओकरे लग गेली मंगली गेली कमाए लागी। कतेक पैसा लेली? 21,000। जी कतेक साल अगाड़ी के बात है? यह 3-4 साल है। जी हाँ यह 3-4 साल में आप कोनो बाते बात भेले वकला जोड़े तो मुदा ठोक दिल के मुदा ठोकना में आप वहाँ के कहली उनका कहली जो यना ना के बात ही कल की जो कागज भेल हो तब तो दी ही पड़ता तब की करूँ? हम रेलवे में रही खटे रेलवे में से मतलब ढोआ निकल ले वह ढोआ निकाल के ओकरा दे देलिया अपन खेत के फुका खर कर। पहले अनिरुद्र के अवस्था केहन छले जे महाजन कहे गांव के? वो अहाँ के पहिने मोबाइल तोबाइल में फोन करी के विदेश 10 बोरा सीमेंटी खाद जुत के रखे एक दू थान कपड़ा ले रखे ऐसे बेसी ओकरा किछो न छले। दुकान करे छले? दुकान करे कोई सीतापुर बाजार ऐसे गाड़ी अवस्था किसी ने छी खाऊ पकड़ा आफल छी एम्हर आबि के यह ढौआ सब एक बेईमानी कैली शैतानी कैली एतबे करते करते में ये अरबों खरबों के संपत्ति भाग गेलो। ये अभी वो दूसरे के संपत्ति लगा वो धनिक भेल? धनिक भाग गेल। अही गांव के आदमी से ठकने के और सब के आरो आरो गांव के सरवा राखू शांतिपुर राखू धुमासान राखू आके सीतापुर राखू भंगा राखू
बकरी राखू प्रेम नगर सप्तर के आदमी के एतबे खेला करे अब पैसा वाला है अदालत ओकरे साथ भ जाय छे ये गरीब आदमी कथी क करते से पेन कहल जाओ अपने ती अनुरुद शाह समाज सेवी को भेष में मालिक को भेष में गरीब हरुलाई ठाउँ ठाउँमा पाइला पाइलामा लुटी राखेका छन्। स्थानीयहरू प्रहरी प्रशासन र यो देशमा सरकार छन् भनेर महसुस गर्न पाएका छैनन्। तपाईँको चाहिँ शुभ नाम के पर्यो? राजकिशोर मण्डल। राजकिशोरजी तपाईँ घर यहीँ पर्यो? हाम्रो घर। यो गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या छन्? समस्या उहे है कि जी ऋण दके मतलब ऋण आपस जे करे जाइ छी त मसुक राख लै छी दोबारा तेबारा पैसा ले लक ओकर खेती है उहे है त के है उ व्यक्ति अनुज शाह है। अनुज शाह और घर आइया भेले आइया भेले बाजारो पर है। ई कतेक दिन से एना काम करे? ई मतलब जनतांत्रिक पार्टी जे खुलले ने हां हां ओई टाइम में जनतांत्रिको रहे बनल। हां ओई टाइम सारो एकर बहुत तनाशा है हन चला चलती चले चला चलती चले। हां हां प्रशासन दिया कहबे ना प्रशासन के तो गरीब आदमी के प्रशासन हेबे नहीं करे पैसा वाला के प्रशासन है उधर सबके सब संसार जन के मालूम है। ये जनतांत्रिक जो जहिया रहे तहिया ये की करे गाँव में? गाँव में गाँव में एक मतलब दरबारो है ना दरबारो में अब केना बैठले नहीं बैठले हमरा सबके मालूम नहीं है। हम सब गाँव में दरबार से हटाबू चाहले रहिए। कौन दरबार? वो साइड में है। कथी है वो? कहसारी है। हाँ जिंदार सब के बास छले। हाँ जिंदार सब के रहले। अभी वो वही रहे हैं? हाँ हाँ अभी वो रहे हैं? वो अभी वो रहे जी वही। वो क्या कर रहे थे वो जगह? जगह एक सुगा वाला। हाँ सुगा वाला क्या है वो कहे से हम खरीद लेने छी। हाँ आरो वही में कि जिंदार कहे से नहीं खरीदने जिंदार सब अबे छे ने वो टाइम में माओवादी के टाइम जनतांत्रिक के टाइम सब भाग गए अभी शांति समय आये है ना तब कोई कोई अबे छे मतलब ये द्वंद काल रहे जनतांत्रिक के समय रहे तो ये गांव में केहन केहन काम सब करे? गांव में होकर ये खेला तो सब दिन है वह मतलब वह बेमानी शैतानी है काम तो सब दिन से होते बेमानी शैतानी। हाँ बस मतलब 50,000 दे लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 50,000 वो हम बहुत किए से अपने गांव में कहा जाते ना घर घर उन व्यक्ति मिलते हैं। हाँ व्यक्तिगत हम सब अगर लेन देन नहीं कर डर से मतलब गांव के बहुत आदमी पीड़ित है। एक बार हमारे भाई से आवरे पैसा ले ना 1 लाख रुपया तो 2-3 दिन गेली तो पैसा तो कहीं देने रहे लेकिन एकदम करार रूप में हम अपने ओठाम पहुँच लिए कि पैसा बुझा अना तो तमसुक ला तो 3 दिन दौरा करते हमारे तमसुक देलक हमारे भाई के मतलब गरीब सबके जे निमुखा सब जे बोल नहीं सके ओकरा चपेट दे। हां सबके सतेने है बहुत आदमी के सतेने है ओकरा की होय के चाहिए कार्रवाई? अब हमरा सब पूछी जी सब समाज करवाए तो ओकरा बड़का करवाए होय के चाहिए उन गलत आदमी के है ना उतने गलत काम करही तो ओकरा नहीं काम में करे पैसा वाला पार्टी है ओकरा लागि ना है कानून तानून पैसा है तो पैसा वाला कानून होय छै कि गरीब के लागि कता है कानून कतौ नहीं है कानून। ठगी धंदा को विषय में हामीले पटक पटक ठगी को आरोप लागिरहेका अनुरुद्र शाहलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्यौं तर उनी सम्पर्क में आउन चाहेनन्। उनले हामीलाई महोत्तरी को बर्दीवासबाट भंगा समय दिएर उनी जलेश्वर तारिक छ भन्दै हामीलाई टारेर उनी छक्क्याएर जलेश्वर गिरे। अनिरुद्र शाहको ठगी धन्दा विरुद्ध स्थानीयहरूले चर्को आवाज उठाइरहेका छन्। कोही घरबार विहीन भएका छन् भने कसैको उठीवास भएको छ। हो गरिबले नै ऋण खोज्न जाने धनीले कहिले पनि ऋण खोज्न जाँदैन किनभने उसँग पर्याप्त हुन्छन्। हो त्यस्तै गरिबहरूलाई ठगेर धनी भएका छन् अनिरुद्र शाह। अहिले स्थानीय सरकार छ उनका विरुद्ध स्थानीय सरकारले केही गरेन भनेर आवाज उठिराखेको छ स्थानीयवासीको। यही प्रश्न हामी गर्दैछौँ भङ्गा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहलाई। अनिरुद्धले जुन जनतालाई रुवाएको छ तपाईँहरूले जनताले न्याय गर्नलाई यस ठाउँमा आउनुभएको छ अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अनिरुद्धको केसमा के भइराखेको छ? सबभन्दा पहिले अनुरुद्धको केसमा म आफै जलेश्वर गएर सिडिओ साहब एसपी साहब सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखज्यू लगायतका पत्रकार साथीहरूसँग
नारी समाज का अगुवाहरूसँग बसेर म यो विषयमा पटक पटक छलफल गरिरहेको छु र त्यो ठगी मुद्दा सम्बन्धी जति पनि खर्च लाग्छ अदालती प्रक्रिया जिल्ला प्रहरीकारले मैले त्यो सबै खर्च भेट्छु भनेर मैले त्यतिबेलै पत्रकार साथीहरूको माझबाटै मैले उद्घोष गरेको थिएँ र अहिले तत्काल त्यो जुन मुद्दा दर्ता जुन प्रोसेसिङमा छ लेख्ने ओर्ने सबै कामको लागि मैले वकिलमा लाग्ने खर्च मैले बेरेको छु र मैले यो सन्दर्भमा पटक पटक मोतरी जिल्लाका एसपी साहब सिडिओ साहब सरकारी वकिलका प्रमुखजीहरूसँग छलफलमा छु मुद्दा दर्ता हुन्छ कानुनी प्रक्रिया अनुसार उहाँलाई कारवाही हुन्छ तपाईँ त्यसमा ढुक्क हुनु अमेर साहब अहिले धेरै मान्छेहरू हजारौँ मान्छे ठगे भनेर उनीमाथि आरोप लागेको छ साँच्चीकै भन्नुहोस् त कतिजना मान्छेहरू उनीबाट ठगिएका छन् तपाईँ कहाँ होइन एकिन गरेर अब यतिकै ठ्याक्कै त भन्न मिल्दैन किनकि धेरैजना पीडित पनि घरभित्रै गुम्सिएर बसिरहेको अवस्थाहरू छ तर यसो गर्दा यसो बुझ्दाखेरि मेरो घर भन्न आउने मान्छेहरू 50 बढी छ बढी छ निश्चित रूपमा 50 बढी भनेका छन् पीडित छन् अहिले तत्कालको सुरुको अवस्थामा 14 मुद्दा दर्ता स्टार्टिङ पिरियडमा सुरुवाती अवस्थामा 14 संयुक्त मुद्दा दर्ता गराउँदैछ त्यसपछि क्रमशः कुरौमाथि मुद्दा पटक मतलब जति पनि पीडित छ त्यो सबै गएर मुद्दा हाल्ने अनि रुद्र शाह जस्ता ठगी धन्दामा संलग्न भएका मिटर ब्याजीलाई कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्छ र देशमा सरकार छ प्रहरी प्रशासन छ कानुन छ भनेर गरिब जनतालाई सम्बन्धित निकायले आश्वस्त पार्नै पर्छ क्यामरा पर्सन अमृत कुमार महतो र विजय सिंहको साथमा राजकरण महतो भङ्गहा महतरी